सवाल नंबर 12, हमें ज्ञात करना है श्री धराचार्य का सूत्र, क्यों सोलह पूछा है, तो आप चाहता है एक नंबर क्वेश्चन उत्तर क्या आ जाए ज्ञात करने का, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस चार ए सी बटा दो, सूत्र लिखना है आपको। अब ये वाला ऐसा दे रखा है तो बताओ कि मूलों की प्रकृति बतानी है, बोला मूलों की प्रकृति क्या होगी बताओ। सबसे पहले तो अगर आपके d का मान क्या आ जाए, मतलब d क्या होता है b स्क्वायर माइनस चार एसी, अगर इसका मान क्या आ गया जीरो, तो मूल कैसे होंगे आपके वास्तविक एवं क्या होंगे आपके बराबर बराबर होंगे। और अगर हमने d याद किया और वो क्या है आपके जीरो से ज्यादा है, जीरो से ज्यादा क्या है d ज्यादा है और जीरो छोटा है, तो आपके मूल क्या होंगे आपके वास्तविक और क्या होंगे आपके भिन्न भिन्न। और अगर आपके d का मान क्या है आपके जीरो से छोटा, जीरो बड़ा हो गया और d क्या हो गया आपके छोटा, तो मूल क्या होंगे आपके मूल, मूलों का अस्तित्व नहीं। आगे समझो ये वाला, हमें शून्य अंक याद करना है और समझ तो क्या करनी है, जांच करनी है। सबसे पहले शून्य अंक याद करो, देखो सब में दो का भाग जा रहा है तो थोड़ा इजी भी कर सकते सवाल में, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस चार एक्स प्लस तीन, तो थोड़ा इजी कर लो, नहीं करो तो भी आ जाएगा। वैसे ऐसे कौन सी संख्या गुणा करने पर तीन, जोड़ने पर चार, क्या हो जाएगा तीन एकम तीन। अब यहाँ है प्लस, दोनों प्लस के या दोनों ही माइनस, यहाँ है माइनस, दोनों किसके आएंगे माइनस के आ जाएंगे, आगे आएगा एक्स स्क्वायर पीछे क्या है प्लस का तीन, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है एक्स कॉमन दोनों में, तो एक्स बच गया और उसमें तीन बच गया, इसमें क्या आएगा आपके माइनस का माइनस और एक कॉमन, एक्स एक्स प्लस माइनस माइनस, यह आ जाएगा आपके तीन, एक्स माइनस तीन आ गया कॉमन, पीछे क्या बचा माइनस एक, तो दो भाग कर देंगे, पहला ये माइनस का है तो प्लस, माइनस का है तो प्लस, ये आ जाएगा अल्फा और ये आ जाएगा बीटा। इसको देखकर आप बताओ सबसे पहले ये बताओ ए कितना होगा, ए बी कितना होगा और सी कितना होगा, क्योंकि मैंने क्वेश्चन इसको देखकर किया उसको देखकर नहीं किया, तो आपको इसको ए बी सी मानना है। अब जांच करनी है तो जांच कैसे करते हैं बताओ, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटा ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, ये दोनों बराबर होने चाहिए, पहले अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना देगा तीन प्लस ए और माइनस का माइनस, बी का मान कितना है माइनस का चार, ए का मान ए, ये हो गया चार और ये भी क्या माइनस माइनस प्लस का चार, दोनों बराबर होने चाहिए। अब उधर अल्फा इंटू बीटा मतलब ये दोनों तीन इंटू एक और इधर सी का मान कितना दे रखा है तीन, ए का मान एक, तीन एकम तीन और ये तीन, दोनों बराबर होने चाहिए। अब आपको ये दे रखा है सवाल, हमें इनके उत्तर लाने, तो ये क्या है अल्फा और बीटा है, अल्फा प्लस बीटा यहाँ कैसे ज्ञात करें, हमारे पास टुकड़े भी नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा सीधे फॉर्म में लाएंगे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा ही लाएंगे सीधा, तो बताओ अल्फा प्लस बीटा कैसे ज्ञात करें, पहले ये बताओ इसमें ए कितना है, एक, बी कितना है माइनस का पी और सी कितना है क्यू, क्योंकि इस पर आ गया एक्स स्क्वायर, एक्स के अलावा जो नंबर है वो सब क्या होगा आपके ए बी और सी होगा। अब आपके क्या करना है, सबसे पहले आपको अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करना, कैसे ज्ञात होगा माइनस का बी बटा ए, माइनस माइनस बी का मान कितना है माइनस का सी बटा ए का मान ए, तो क्या है माइनस माइनस प्लस का सी, एक में किसी का भाग दो पी का पी रहेगा, फिर है अल्फा इंटू बीटा कैसा आएगा सी बटा ए, सी कितना है क्यू बटा ए, उत्तर क्या है आपके क्यू आ गया। सबसे पहले ये लेंगे फर्स्ट, फर्स्ट क्या लेंगे हम बताओ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका मान क्या आया ये करना है हमें क्या, तो हम क्या करेंगे देखो एक बार इसमें देखो सूत्र है वो क्या नाम है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर वाला सूत्र है आपके, तो हम क्या करेंगे एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, तो हमें सूत्र बनाना ये वाला ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, एक बार ये मान लो कि ए है ये बी है, ये हमारे पास आ गया ये बी है, वो ये दोनों हमारे पास दे रखा है नया क्या है टू ए बी है,
तो ये भी आपको लाना है, जोड़ना भी है, और क्या करेंगे जोड़ा तो आपको क्या करो बताओ क्या लिखेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 into AB प्लस क्या नाम है, यहाँ क्या आएगा अल्फा भी आएगा और बीटा भी आएगा, और यहाँ क्या आएगा बीटा का स्क्वायर। अब बताओ ये तो हमारे पास था ही, ये दोनों हमने क्या लिया नया, ये लिया दो। अब बताओ इस पूरे का मान क्या होता है, इस पूरे का मान होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है -2 अल्फा इंटू बीटा, मतलब क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या होता है पी स्क्वायर का स्क्वायर 2 का 2 अल्फा इंटू बीटा अल्फा इंटू बीटा मतलब क्या होता है क्यू उत्तर क्या आएगा पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू अब ये वाला सेकंड क्या है बताओ क्या लेंगे दो लस अल्फा भी आएगा और बीटा भी आएगा अल्फा कैंसिल तो क्या आएगा बीटा एकम बीटा बीटा प्लस बीटा बीटा कैंसिल तो क्या आएगा अल्फा, ऊपर तो दे रखा है अल्फा प्लस बीटा, नीचे दे रखा है अल्फा इनटू बीटा, बताओ अल्फा प्लस बीटा कितना है पी, और अल्फा इनटू बीटा कितना दे रखा है, उत्तर क्या आएगा पी बटा क्यू आ जाएगा।